मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन माननीय सलामी दी गई माननीय मुख्य अतिथि महोदय को और अब दान लिखता हूं। मिटा दिया है वजूद उनका जो भी इनसे भिड़ा है। पर्यवेक्षण से अनुमति प्राप्त किया गया परेड कमांडर के द्वारा और माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड निरीक्षण के लिए निरीक्षण वाहन की ओर परेड निरीक्षण के लिए परेड वाहन के साथ माननीय मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह यादव इसके ठीक बगल में झारखंड जगुआर कमांडर में अव निरीक्षक धीरज कुमार मिश्रा इसके बगल में जैपवर प्लाटून कमांडर है अव निरीक्षक सशस्त्र मुक्ति मान थापा प्लाटून कमांडर की महिला पुलिस अव निरीक्षक सुश्री रूही लादुरी इसके बगल में झारखंड के रक्षा वाहन कमांडर है दिलीप कुमार और निरीक्षण वाहन के बाद धीरे धीरे मुख्यमंत्री की ओर आगे बढ़ने वाले मुख्य अतिथि महोदय सभी का हौसला बुलंद करते हुए अब पुनः मुख्यमंत्री की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हौसले बुलंद रहे भुजाओं में बल रहे कि हर जन्म अगर देना तो दिल में हम तिरंगे को जिससे हमारी शान है सर हमेशा ऊंचा माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से हमारा सादर अनुरोध कृपया स्वतंत्रता दिवस के पावन हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि सभी को 3 कमरे का आवास उपलब्ध करवाएंगे। अपने वादे को पूरा करते हुए आज हम इस मंच से एक नई योजना अबुआ आवास योजना का घोषणा करते हैं। आगामी 2 वर्ष में लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से अपने जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी। झारखंड वासियों की उन्नति खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से 7 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सखी मंडल के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। फूलो जानो आशीर्वाद योजना के तहत हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। हरा राशन कार्ड बिरसा हरित ग्राम योजना वीर शहीद पोटो होल विकास योजना मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना सर्वजन पेंशन योजना जैसे कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में लगभग 1560 करोड़ रुपए की राशि के 32 पथ एवं पुल योजनाओं का विधिवत उद्घाटन तथा लगभग 1640 करोड़ की राशि से 104 पथ एवं पुल योजनाओं का विधिवत शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा रांची को
ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्त दिलाने हेतु सिरमटोली आरओबी कम फ्लाईओवर का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसे करमटोली फ्लाईओवर से जोड़ा जाएगा। रातू रोड फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है तथा सजानंद चौक से कांके रोड के लिए फ्लाईओवर का निर्माण भी प्रस्तावित है। इससे रांची शहर को एक बड़े हिस्से में आवागमन सुगम हो सकेगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपए के बजटीय उपबन से लगभग 2000 किलोमीटर पथों के निर्माण का लक्ष्य है। अब तक 30 योजनाएं पूरी की जा चुकी है, जिसमें 206 करोड़ रुपए की राशि का व्यय कर 93 किलोमीटर पथ का निर्माण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत 70 पुल निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 18 पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राज्यवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक राज्य के कुल 61 लाख ग्रामीण परिवार को कार्यरत घरेलू नल जल के द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 23,80,000 परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। याद रखिए, पूर्वजों की कुर्बानियां हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। यह कर्ज तभी उतरेगा जब राष्ट्र और राज्य के नव निर्माण में हम सभी मिलकर सहयोग करेंगे। मैं राज्य के युवाओं को विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति अपनी रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग झारखंड के नव निर्माण के लिए करें। सबको साथ लेकर चलने वाली संस्कृति और संस्कृति ही भारतीय राष्ट्रवाद की बुनियाद है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर झारखंड को एक समृद्ध, खुशहाल और विकसित राज्य बनाने में जरूर सफल होंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। और इसके बाद अब विशिष्ट से सराहनीय सेवा का पुनः स्वागत से अलग किया जा रहा है। हवादार सराहनीय सेवा का पुनः स्वागत प्राप्त मेरे घर से बैठती है, मैं 44 करोड़ खर्चेगी।